सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खैर से होंगे। सो गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाने वाली हूँ बालों को कर्ल कैसे किया जाता है। ओके गाइस, सो टेम्परेचर आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी मैंने 180 डिग्री पे यहाँ पे टेम्परेचर जो है रखा हुआ है। ओके गाइस, सो इस तरीके से हम बालों के बना लेंगे अच्छे से पार्टीशन। ओके फ्रेंड्स, सो आप लोग देख सकते हैं और हम देखेंगे कि हमारी जो कर्ल मशीन है वो हीटिंग कर रही है या नहीं। जब वो अच्छे से हीटिंग करने लग जाए तब हम बालों के ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, इस तरीके से हम अच्छे से रोल बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा तरीका है और मतलब जो आते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें आती है कॉस्मेटिक की, मतलब रोल बनाने के लिए आप कोई भी ख़रीद सकते हैं। ओके गाइस, तो आप लोग बने रहिएगा हमारी वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं धीरे धीरे मैंने पूरे बालों को इस तरीके से कर दिया है। और यहाँ पे जो हमारी स्टूडेंट थी वो भी लोग साथ साथ में प्रैक्टिस मैं उनको करा रही थी कि आप लोग भी कैसे मतलब कर्ल कर सकते हैं बालों को। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रंट पे हमें थोड़े से जो स्टेप है वो चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि फ्रंट की साइड से अगर हम पीछे की साइड जैसे हमने कर्ल किए हैं, अगर आगे से भी ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगता है। तो हम
हम पीछे की साइड से अलग तरीके से करते हैं, और जो हमारे फ्रंट के जो हेयर होते हैं उनको हम कर्ल अलग साइड से करते हैं। सो फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़, सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हम बालों को कर्ल करते जाएंगे धीरे धीरे से। ओके गाइस, सो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके गाइस, सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से फिर हम अच्छे से इनको मतलब छोड़ देंगे धीरे से, तो बाल अपने आप ही कर्ल हो जाते हैं। आपको बस हीटिंग का और जलने वलने का थोड़ा सा खास करके ध्यान रखना होता है। ओके गाइस, सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करना। ओके गाइस, तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हम पूरे बालों को धीरे धीरे कर्ल करते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरीके से हम कर रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जितने भी हमारे हेयर थे, मैंने कुछ खुद से की है, कुछ लड़कियों से कराई है, फुल हेयर पे हमारे जो कर्ल थे हमारे बाल वो हो गए हैं। ओके गाइस, सो आज मैंने लड़कियों को सेंटर में बालों को कर्ल कैसे किया जाता है यही सिखाया है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी गाइस, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को गाइस। ओके, सो हम आपको अपने इस चैनल पे आपको नए नए तरीके की नई नई चीज़ें सिखाते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आप लोग हमारे चैनल पे एक बार आके विजिट ज़रूर करना। ओके फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे मेकअप से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो आगे आगे मिलने वाली हैं, तो आप हमारे साथ बने रहना। ओके फ्रेंड्स, सो गाइस इस तरीके से हम पूरे बालों को कर्ल कर देंगे। ओके, सो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जितने भी हेयर हैं हम उनको कर्ल करेंगे। ओके, सो मैं आप लोगों को फाइनल लुक भी यहाँ पे दिखा दूँगी कि हमारे जो हेयर है उनका फाइनल लुक क्या आया है। ओके फ्रेंड्स, सो फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, नया कुछ सीखाने मतलब आपको कुछ नया सिखाने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी हेयर थे वो हमारे कर्ल हो गए हैं। ओके गाइस, सो इस तरीके से मैं फ़ाइनल लुक आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से पूरा फाइनल लुक इनके हेयर का है। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
फाइनल जो हेयर का लुक है कुछ इस तरीके का है, फ्रंट से भी आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय गाइस।